या फिर किसी और रूम में छुपाऊं जहां पे इनको मिले ही ना। तो डरना क्यों? अच्छा मजा आने वाला है क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं एक शादी पर। हमारी एक फ्रेंड है, उसकी शादी है, ठीक है। तो हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं, अभी सब तैयार वगैरह। मैं जा रही हूँ, जैनब जा रही है और फातिमा जा रही है, ठीक है। जैनब अभी वॉशरूम में शावर ले रही है, मैं आ गई हूँ शावर लेके, फातिमा ऊपर रेडी हो रही है, अपना मेकअप करवा रही है, ठीक है। तो यार मैंने सोचा कि आज मैं करूँगी इनके साथ प्रैंक, क्योंकि प्रैंक ना हो तो मज़ा नहीं आता। खैर फातिमा ऊपर तैयार हो रही है, जैनब अभी आ गई है नहा कर, ठीक है। तो मैंने अब क्या करना है कि मैंने ये सोचा कि मैं इनके कपड़े छुपा दूंगी, जब ये लोग फुल मेकअप करेंगे ना, कपड़े पहने जो मेरे को कपड़े मिलेंगे नहीं, तो बहुत मज़ा आएगा। खैर मैं आप लोगों को पहले ड्रेसेस दिखा देती हूँ कि कहाँ है, दूसरे रूम में रखे हुए। तो यार ये पहनूंगी मैं, ये मेरा ड्रेस है, लाइक बहुत ही ब्यूटीफुल, क्योंकि वलीमे का इवेंट है तो इसीलिए इसी टाइप के ड्रेसेस। ये वाला जो है ना जैनब का है, तो ये वाला अब लगा है छुपने, तो ये वाला वो करते हैं। ओहो फातिमा का मेरे ख्याल से ऊपर होगा शायद। ओके यार, मैंने ड्रेसेस नीचे उतार लिया। अभी जैनब का ना मुझे ज़्यादा वैसे प्यार लग रहा है, हो रहा है कि मैं जैनब का पहनूं, बट खैर वलीमे में ब्लैक भी पहनते हैं तो मैं भी छुपाने लगी। और ये वाला ड्रेस जो है ये है फातिमा का, उसने भी ब्लैक ही पहन रहे हैं। तो अब हम लोग ये पता कैसे छुपाएंगे, मैं इधर ना मम्मा बाबा की अलमारी हूँ ना, यहाँ पर किसी और रूम में छुपाऊँ जहाँ पर इनको मिले ही ना। मम्मा पे पता कैसा इल्जाम मम्मा पे आएगा, क्योंकि सारे मम्मा ने रखे हुए हैं हमारे हैंकर के प्रेस करवा कर। तो यार मम्मा लोग बाहर हैं और जैनब मेरे ख्याल से ऊपर गई है, तो ये वाली मेरी अलमारी में मैं छुपा दूंगी। इधर ऑलरेडी इतने हमारे कपड़े पड़े होते हैं, तो यहाँ पे ना लाइक इनको बिल्कुल भी शक नहीं जाएगा, यहाँ पे लगा लटका देते हैं। तो यार मैंने ये यहाँ पीछे एंड पर ये देखे जोड़ दिए, और ये यहाँ से किसी को पता नहीं चला, कोई देखेगा भी तो यहाँ पे पड़े ही नहीं है। तो आप चलते हैं ऊपर मेकअप करवाने के लिए। चलो ऊपर ये लोग तो मेकअप शुरू करवा रही है, मैं भी अपना मेकअप करवाती हूँ। ओके यार, तो मेरी बहन इधर फातिमा का फुल मेकअप डन हो गया और इसके बाल बन रहे हैं फुल अदाकारे वाले। और मेरा तुम कौन सा करवा रही हो मेकअप? मेकअप क्या वैसे दिखा के, लासिम निकाह पे भी ऐसे दिखा के करवाया। मैंने जुड़ा नहीं, बहुत बुरा लग रहा है। अब इन दोनों का मेकअप डन हो जाएगा, फिर मेरी बारी है, क्योंकि मैं लेट आई हूँ तो इसलिए मेरी लेट टर्न होगी। बट खैर देखना, तैयार सबसे पहले मैं ही होंगी। खैर इनका मेकअप हो जाए फिर हम लोग अपना करवाते हैं। जैना तुम्हारी नहीं, पहले मेरी टर्न है, तो पहले मैं करूंगी क्योंकि मैं बढ़ी हूँ, तो एज अ रिस्पॉन्सिबल गर्ल मेरी सबसे मैंने ब्लॉग भी बनाना होता है, ठीक है। मेरा करना है ना पहले आपने, बेटा जी उन्होंने पहले मेरा करना तो पहले मेरा मेकअप होगा ये। तो यार फातिमा का मेकअप डन होने वाला है, और जैनब इसके बाद फिर ऐसा करना आप करवाना, क्योंकि मुझे नीचे कुछ काम है। एक्चुअली मैं करनी है एक्टिंग, क्योंकि मैं अभी नीचे जाके ना एक्ट करती हूँ कोई काम करने का, और साथ साथ जिसका व्लॉग बना रही हूँ। फिर जब फातिमा नीचे आएगी उसने अपने कपड़े मंगवाने, और कपड़े मिलने नहीं तो उसका व्लॉग कौन बनाएगा अगर मैं मेकअप करवाने बैठ जाऊँगी। तो खैर चलते हैं। तो मम्मा इधर बैठ के फातिमा का व्लॉग देख रही हैं। मैं अब अपने नेल पेंट चेंज करने जा रही हूँ, तो मम्मा मैं जा रही हूँ नेल पॉलिश लगाने, आप व्लॉग एंजॉय करें। फातिमा इधर तैयार होकर आ गई है, जोकर ही लग रही है इस टाइम। अभी तैयार हो जाओ, लेट हो रहा है, मैंने भी मेकअप करना, जैनब का हो रहा है मेकअप। फातिमा फुल कपड़े ढूंढे, मम्मा उसके कपड़े दे, मेरे भी मम्मा मेरे कहाँ लटके हुए हैं। कितनी प्यारी लग रही है, अच्छा तो। प्यारी लग रही है, वो सामने लटक रहे हैं उधर। जा जा कपड़े, तुम्हारे वैसे ड्रेस फातिमा दिखाओ कैसे है, मैंने तुम्हारा ड्रेस देखा नहीं, दिखाओ जरा मुझे भी। ये तो तुम्हारा है। कौन सा? हाँ ये तो मेरा है, ये तो मेरा है, तुम्हारा कौन सा है? मेरा अंदर मम्मा ने कहा है। तो गाइस फातिमा का ड्रेस अब मैंने व्लॉग में दिखाना है, तुम्हारा ड्रेस जल्दी दिखाओ। गाइस अभी आप लोगों को फातिमा का ड्रेस दिखाती हूँ। मम्मा फातिमा का ड्रेस किधर है, जल्दी करें, मेरे लेट हो रही, व्लॉग में दिखाना है उसका ड्रेस लोगों को। मम्मा गाइस फातिमा का ड्रेस पता नहीं मम्मा ने कहीं पे, मम्मा आपने रखवाया था ड्रेस, उसका किधर है? मम्मा ने ये देखो, ये पापा का। गाइस अब फातिमा का ड्रेस देखने के लिए आप सब रेडी हो जाएं। नहीं मिल रहा ड्रेस, वक्त कहाँ गया? मिल रहा है क्या मतलब, कहाँ? मम्मा यार आपने ऊपर तो नहीं रख दिया कहीं? ऊपर तो नीचे रख दिया, पता नहीं नीचे ही रखा है जी, मैं देख के ऊपर तो है नहीं। ये देखे ना मेरा, आपने मेरे साथ ही रखा था मेरा, तो वो देखे वो पड़ा हुआ है। हाँ तो फिर किधर गया? इसका अलमारी में दराज से मैंने कल निकाला है, जल्दी मेरे को मेरा ड्रेस दराज में शायद पड़ा हुआ है। फातिमा को ड्रेस नहीं मिल रहा, और हम लोगों ने 6 बजे निकलना है और अभी 6:30 हो गए हैं। 5 हो गए, सॉरी 5:30 हो गए, सॉरी सॉरी हो।
उसका गाइस एलोरी ड्रेस नहीं मिल रहा यार, मेरे ड्रेस के पास ही पड़ा होगा। मेरे व्लॉग में ड्रेस दिखाना यार उसका। मम्मा मेरा कंटेंट आप खत्म कर रही है। मैंने उसको ड्रेस का रखा हुआ था कि फातिमा का ड्रेस कैसा है। ये तो मेरा है, प्यारा है ना मेरा। नहीं ये मजाक नहीं है बात में, जाओ तुम्हारा वाला की मुझे लेंथ बहुत लंबी है, मैंने नहीं पहना वो। इसकी लेंथ कितनी है? एक मिनट इसकी इसकी लेंथ थोड़ी छोटी टाइप है। मैं ये वो देखो मम्मा को मैंने जल्दी से पता नहीं से पूछा जैनब से, उसने पता नहीं। आप ऊपर देख लो, लेकिन मेरे ड्रेस को हाथ ना लगाया, बता रही हूँ पहले ज्यादा फ्री पहनना क्यों। मैंने गाइस को फातिमा का ड्रेस दिखाना है। तुमने बनाया तो होगा ना अपना व्लॉग, उसके पीछे क्लिप देखो मेरा ड्रेस कहाँ पे पड़ा। मैंने नहीं बनाया, मैंने तो सुबह से तुम्हारा ड्रेस देखा ही नहीं। हर चीज का ही हेलो गाइस टक्कर। मैंने तुम्हारा ड्रेस देखा ही नहीं सुबह का। सुबह से नहीं देखा मैंने ब्लैक कलर का वेलवेट का। मुझे मम्मा मैंने नहीं देखा, मैंने सिर्फ इधर अपना देखा, मुझे किसी का नहीं पता। मैं तो अभी खुद व्लॉग बना रही थी यार। ये क्या है फातिमा, छोड़ दो तुम फातिमा, ये नहीं पहनोगी तुम, बता रही तुम्हें मेरा ज्यादा प्यारा था तुमसे, छोड़ दो छोड़ दो। असली पैंट भी खींच रही हो मेरी। मुझे इसलिए होता कि मैंने अपना आवाज देखा, तुम्हारा तो मैंने ड्रेस देखा भी नहीं है कि कहाँ पर। अबे तुम झूठ बोल रही हो, तुमने कल देखा है। कब देखा है? कल देखा है, सुबह नहीं देखा कह रही हो यार। इतने गंदे इल्जाम लगा। मैंने इवेंट्स पे ऐसी हरकत नहीं करती, मैं बहुत बोल। इवेंट्स पे ये हरकतें करती हो? नहीं मैंने नहीं। मेरा ड्रेस छोड़ दो, मेरा क्यों पकड़ के बैठे हो? छोड़ो यार, क्या फट जाए। स्पेशल कल लेकर आई हूं, ये अलमारी चेक करते हैं। तो कर लो यार भाई, जब चोरी की नहीं तो डरना क्यों? अच्छा पाया जब चोर ने नहीं किया, मैं तुम्हारा ड्रेस दिखा। हद धोती है मुझे इसकी हंसी। मम्मा ये देखना, ये चॉकलेट किस खुशी में अपने अलमारी में रखी हुई है। मैंने कहा था कि ये जैनब ने रखी है। चॉकलेट अपनी अलमारी में छुपाई हुई है, सब है, सब किया ही है जैनब में रखी है। मिल गया इसी ने छुपाया। क्या मेरे को छुपाया नहीं बताया? नहीं छुपाया, मैं कह रही हूँ मैंने नहीं छुपाया, जैन में छुपाया होगा। इसकी बस खुशी चेक कर दी थी कि मिल गया। मैंने छुपाया ही नहीं है यार, बच्ची मरने वाली होगी बता ही देंगे। मैंने नहीं छुपाया, सीरियसली नहीं छुपाया। मम्मा इसी में ही है देखो, मैंने छुपाया ही नहीं है। किधर है? कहाँ? ये देखो वे ज़ैनब कितनी बदतमीज है यार, तुमने नोट किया है? बदतमीज कैमरा ज़ैनब का नहीं। और मैं तो ओ गाइस ये फातिमा का ड्रेस मिल गया फाइनली। किसी ने कहा मेरे ड्रेस का? तो गाइस ये फातिमा का ड्रेस है, मैंने नहीं छुपाया, मम्मा ज़ैनब ने छुपाया होगा। नहीं तो मुझे ज़ैनब का भी नहीं दिख रहा, ज़ैनब का तो नहीं छुपा दिया। मम्मा यार मैंने उसका प्रैंक करना मना करना प्लीज। मैं मानती हूँ मैंने छुपाया, वो वाला बूढ़े छुपे नहीं, वो वाला ना करना फातिमा। तुम्हें कसम है मैं तुम्हारे ड्रेस में चाय गिरा दूंगी। नहीं मैं तुम्हारी फातिमा में चाय गिरा दूंगी। बताओगी हम तेरा दोबारा छुपा देंगे, फिर मैं छुपा दूंगी। हाँ ये सीक्रेट रखना, ज़ैनब आएगी उसको मत तंग करना, ठीक है ना? मैं अपना ऊपर मेकअप करवाने जा रही हूँ। गाइस ये वाला तो पकड़ा गया मेरा प्रैंक, बट ज़ैनब वाला देखना, मैं इतना पुरकशिश करूंगी एंड पॉइंट तक उसके ड्रेस नहीं ढूंढूंगी। भागो ऊपर। हो ये ज़ैनब का इधर हो रहा है, तो आपने तो कहा था पहले आप मेरा करेंगे। चले अब इसके बालों का मेरा मेकअप स्टार्ट कर दें, इसके फिर बाल बाद में करना। छुट्टी। ओके गाइस सो फाइनली ज़ैनब का मेकअप हो गया और अब मेरा स्टार्ट हो गया। चलिए मेरा अच्छा सा मेकअप कर दें। जुड़ दो एक सेकंड उठा यार, मेरी नहीं बारी आ रही। और गाइस मेरा अभी हाफ मेकअप डन हुआ और मुझे पता चला कि ज़ैनब जो है ना वो नीचे चली गई है उसका शायद कपड़े पहनने के लिए, और मैंने वो ब्लॉक का पार्ट लेना है जल्दी से पहले नीचे। मैं आती हूँ वापस, हम ना हाफ मेकअप करेंगे पूरा, पहले उसका वो पार्ट ले रहा हूँ जल्दी से। अब मैं मम्मा मैं वो ना क्या कहते हैं मैं तैयार हो गई। मैंने तेरे थोड़ा ड्रेस दिखाना है, मैंने जल्दी करो, मैं स्पेशल नीचे आई हूँ भाग भाग कर। पहले मैं ढूंढ रही हूँ मम्मा मेरा ड्रेस कहाँ है। मम्मा ज़ैनब का ड्रेस दे दे, मैंने व्लॉग बनाना जल्दी, क्योंकि मैंने आज के व्लॉग में ड्रेस दिखाना है। उसने ऊपर ही रख दिया था, मुझे नहीं पता। देखो जा किधर है बेटा ड्रेस, मैंने व्लॉग में दिखाना, जल्दी करो मैं लेट हो रही हूँ यार। मैंने व्लॉग में ड्रेस दिखाना यार, पता ही नहीं है इनको। अजीब मानो मुझे क्या पता यार, मैं वही तो कह रही हूँ। मैंने अपना ड्रेस दिखाया लोगों को, भी मैंने फातिमा का भी दिखाया, तुम्हारा मैं दिखाना था। गाइस मैं दिखाती हूँ, आप लोग टेंशन है, ज़ैनब का ड्रेस ही घूम गया यार। बेटा जी ढूंढो ढूंढो यार मेरा ड्रेस। मम्मा यार बता दो, आप उसको बता भी नहीं रही है। भाई मैंने अपने फैंस को दिखाना है। क्या दिखाना है? ज़ैनब का ड्रेस। मैंने स्पेशल अपने व्लॉग का थीम रखा हुआ, तुम सबको मेरे ड्रेसेस दिखाने हैं। तुमने तो नहीं छुपाया। पागल तो नहीं, मैं ड्रेस क्यों छुपाऊंगी? अजीब हरकतें कर रही हो। यकीन भी नहीं कर सकते मैं। भाई मैंने अपना तुम्हारा ड्रेस दिखाना, जल्दी करो मैं मेकअप करना, मैं लेट हो गई, 7 बज गए, मैं निकलना भी है। मेरा पे मिल जा पे प्रैंक कर रही है।
लेट हो रहे हैं। पागल तो नहीं, मैं क्यों लेट करूंगी? तो फिर कैमरा क्यों आना था? तो भाई गाइस हम भी दिखा रहे हैं, हम अपना तैयार होने जा रहे हैं। छोड़ो मुझे, मैं अपने ऊपर तैयार होने जा रही हूँ, वैसे भी लेट हो गई। कौन सा ड्रेस तुम्हारा ड्रेस मैंने तो यही छुपाया था। फातिमा पूरे 7 बज चुके हैं, हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं, 10 बजे हॉल बंद हो जाएगा। मेरे अभी स्टिल बाल नहीं बने, सिर्फ मेकअप हुआ है। मेरा मेकअप भी हो गया और बाल भी हो गए, अब जल्दी से कपड़े पहनते हैं। और गाइस फाइनली मैं फुल रेडी हो गई हूँ, मैं आप लोगों को अपनी फुल लुक दिखाती हूँ, बट पहले अपना शूट करवाने जा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत बहुत टेंशन हो रही है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा कि मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ आज, मुझे ऐसा लग रहा बहुत बुरी लग रही हूँ। अपनी फीलिंग है ना, आज नहीं अपनी तारीफ करूँगी। यार हम लोग ये खेतों में इधर शूट कर रहे हैं, ठीक है, लाइट सामने से पड़ रही है और मैं इतनी ठंड लग रही है ना कि बट मैं अच्छी नहीं लग रही, तो मुझे लगता है वीडियो भी गंदी से बनेगी, पता नहीं कैसी। और गाइस तो फाइनली मैं शूट करके आ गई हूँ, बहुत ठंड थी, इतनी ठंड थी कि मैं फ्रीज हो गई हूँ। तो खैर मैं आप लोग अपनी फुल लुक दिखा दूँ। तो ओवरऑल ये मेरी लुक है, क्या ही लग रही हूँ मामा? तो कह रहे चलते हैं शादी पे, वहाँ जाकर फन करते हैं और बेसिकली वहाँ जाकर खाना खाते हैं, जो मुझे मेन है। प्रैंक्स भी कर लिए, अब जाकर फन करते हैं। बाय मम्मी। बाय फातिमा, वेट कर रही है बाहर, तो चलो चलते हैं। फातिमा पर पर कर रही है, तो जल्दी से निकलना पड़ेगा हमें। ओके गाइस फाइनली हम लोग शादी से वापस भी आ गए हैं। तो आप लोग सोच रहे हो शादी में गई थी, पता ही नहीं कब गई, तो खैर हो गई शादी, मजा आया, खाना वगैरह खाया, वापस आ गए। बोरिंग सा इवेंट था, तो इतना कोई कुछ था नहीं, वैसे कुछ बनाया ही नहीं, ठीक है। तो खैर हम लोग घर भी आ गए, मतलब आप लोग मैंने सिर्फ तैयारी दिखाई और घर आने का दिखाया। तो खैर अब मैं चेंज वगैरह करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। ओके गाइस सो फाइनली मैं फ्रेश होकर आ गई हूँ, मैं लगी हूँ सोने, मुझे इतनी नींद आ रही है ना यार। और ज़ैनब भी तक गाने शाने सुन रही है और फ्रेश हो गई है, मजा आया शादी में? बहुत मजा आया, बट नाउ आई एम वेरी टायर्ड। यस ज़ैनब इज़ टायर्ड गाइस, और मैं भी लगी हूँ सोने। सब होप सो कि आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। Also subscribe my channel, so bye bye, Allah Hafiz.